गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में अपनी जो थर्ड एप्लीकेशन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कराया था, और आज की क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व इसके ऊपर वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, आपको क्या करना है, जूल को किस में चेंज करना है, अर्ग में चेंज करना है, कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होते हैं। तो आपको बता दूं, ये जूल है ना, ये SI यूनिट है, और अर्ग क्या है, CGS यूनिट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जूल किसकी यूनिट है, किस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है। तो ये एनर्जी की क्या है, यूनिट है। तो आपको मैंने बताया था किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको एनर्जी का क्या आना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क है ना, उससे अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, M1 ये अपना क्या आ गया, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इससे अपने को A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, और C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2, ठीक है। ये अपने को A, B, C की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब आगे देखिए, एक तो है अपने पास SI सिस्टम, और एक क्या है, CGS सिस्टम। तो SI में देखो 1 जूल, तो N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1, N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और SI में मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, kg, L1 का स्टैंडर्ड, लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर, और टाइम का स्टैंडर्ड सेकेंड। SI CGS में मास का स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा, मास को किससे लिखते हैं, ग्राम से, लेंथ को किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर से, और टाइम को किससे लिखते हैं, सेकेंड से, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए, जो अपना फॉर्मूला है N2 N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, ठीक है, T1 अपॉन T2 पावर C। तो N1 की वैल्यू कितनी है बेटा, इसके अंदर N1 अपना 1 दे रखा है, तो 1 रखते हैं यहाँ पे। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 kg, ठीक है, 1 kg। M2 कितना है, 1 ग्राम। पावर कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, 1। L1 कितना है, 1 मीटर। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है, 2। T1 1 सेकेंड। पावर कितनी है, -2, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो N2 1 ग्राम को किस में, जो kg है इसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 डिवाइड में ग्राम, ठीक है। ऊपर पावर कितनी है, 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, नीचे ही 1 सेंटीमीटर। ऊपर पावर कितनी है, 2। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1 की पावर -2, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। अब देखो, इसको 1000 को अपन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, जो 1000 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। पावर कितनी है, ऊपर 1, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। पावर कितनी, ऊपर 2। और ये 1 की पावर -2 है, 1 की पावर -2 है, ये डिवाइड में जाएगा, 1 की पावर +2 हो जाएगा, और 1 की पावर +2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो डिवाइड में 1 आ रहा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो N2 अपने को कितना मिल जाएगा, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। तो N2 अपने को मिल जाएगा 10 की पावर 7। जो N2 आएगा वो कितना आएगा अपना, 10 की पावर 7। तो अपन ने 1 जूल को अर्ग में चेंज किया है, मतलब जो अपना 1 जूल है वो कितने अर्ग के इक्वल होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। तो 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। तो यही मेथड लगेगा सभी में, कि अपने को पहले तो एनर्जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो
यूनिट दे रखी है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, वहाँ से अपने को ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी। फिर एक तो एसआई सिस्टम है, एक क्या है सीजीएस सिस्टम। तो एसआई में आपको स्टैंडर्ड पर पता होना चाहिए कि मास को क्या लिखते हैं, लेंथ को क्या लिखते हैं और टाइम को क्या लिखते हैं, ऐसे सीजीएस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, इसको फिर सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, मतलब जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में आपको दे रखी है कितनी, 6.67 × 10⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम अपॉन ग्राम जी स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, तो आपको क्या करना है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो करते हैं। तो ये अपना जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, अपने को जी की जो वैल्यू है, जी मतलब यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अपने को सीजीएस में दे रखी है 6.67 × 10⁻¹⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो आपको इसको एसआई में चेंज करना है ना, एसआई में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपने पास फॉर्मूला है क्या है, N2 N1 M1 upon M2 A L1 L2 power B T1 T2 power C। ठीक है, अब आपको पता है कि बेटा CGS में एक तो अपने पास CGS, एक क्या है SI। ठीक है, CGS में N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 6.67 × 10⁻¹⁸। ठीक है, और N2 की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, मास का स्टैंडर्ड CGS में कितना होता है, ग्राम, और इसमें क्या होता है केजी SI में। ठीक है, लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है 1 सेंटीमीटर, इसमें क्या होता है 1 मीटर। टाइम का स्टैंडर्ड 1 सेकेंड, इसमें क्या होता है, टाइम का स्टैंडर्ड क्या होता है इसके अंदर, इसमें भी 1 सेकेंड। ठीक है, अब अपने को ABC की वैल्यू बतानी है, और ABC की वैल्यू अपने को कहाँ से मिलेगी, क्या है अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, जी का डायमेंशन फॉर्मूला किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला है अपने पास FR² m1 upon m2, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2। R क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है ना, दो मास के बीच की डिस्टेंस, तो R क्या है डिस्टेंस है L2। ठीक है, ये दो मास है, मास का क्या होता है m2। तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, m-1 L3 T-2। तो बेटा यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई -1, B की वैल्यू कितनी आ गई 3, और C की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये ABC की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू अपन फॉर्मूले में रखते हैं, तो N1 की वैल्यू बेटा कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻¹⁸। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 1 kg, पावर कितनी हो गई -1। ठीक है, फिर है L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, L1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, पावर कितनी हो गई 3। ठीक है, फिर है 1 सेकेंड, T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2, पावर कितनी है -2, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पावर कितनी हो गई -2। तो चेंज कर लेते हैं अब इसको, N2 6.67 × 10⁻¹⁸, ये ग्राम है ये केजी है, तो इसको अपन ग्राम में चेंज कर लें, तो 1 ग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, तो केजी को किस में चेंज कर लिया मैंने, ग्राम में। ऊपर पावर कितनी है -1, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, तो चेंज कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ऊपर पावर कितनी होगी 3, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, 1 - 2। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको।
तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। जो N2 आएगा अपना 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है, ये हो गया 1। इसको अपन 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर 3, ऊपर पावर कितनी है माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं 10 की पावर 2, 1 अपॉन 10 की पावर 2, ऊपर पावर कितनी है 3, ठीक है। और 1 की पावर माइनस 2 है, 1 की पावर माइनस 2 है, इसको प्लस करना है तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, तो 1 की पावर 2 हो जाएगी। और 1 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड में 1 आ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे से 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, तो 1 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, उसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तो N2 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये देखिए पावर माइनस 1 है, ये 1 अपॉन 10 की पावर 3 है, और माइनस इसको मेरे को पॉजिटिव करना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ 10 की पावर 3, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 है ये, तो 10 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा N2 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये देखो 10 की पावर 3, और डिवाइड में कितने 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर 3 बचेगा, और ये 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 की पावर 3 जो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा N2 अपना 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो दिख रहा है कि 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 आएगा, ये 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना 10 की पावर माइनस 3, जो कि इसके अंदर ऐड हो जाएगा कि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है 8, तो यहाँ पे माइनस 8 और माइनस 3 ऐड होके माइनस 11, तो अपने पास N2 आ गया किसके अंदर, SI के अंदर। तो अपन ने क्या कर लिया, चेंज कर दिया, जी की जो वैल्यू है SI के अंदर वो कितनी मिलेगी अपने को 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो ये अपन ने किससे किया था, जो अपनी थर्ड एप्लीकेशन है उससे अपने को इसको सोल्व करना है। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल ऐसे मिले कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको यही मेथड लगाना है, ठीक है। आगे की क्लास में अपन और इसकी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।